खबर बारा से है, जहां एक बार फिर से खाकी बदनाम हो गई है। बारा एसीबी टीम ने चीपा बड़ौद के एक एएसआई को रंगे हाथों 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि परिवादी ने एसीबी में परिवाद दर्ज कराया था कि मारपीट के मामले में अधिकारी रमेश चंद्र से 5,000 की रिश्वत का सौदा तय हुआ और शिकायत के बाद सत्यापन करवाया गया, जिसे 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कल हमारे कार्यालय में विनोद कुमार नागर गांव राय थाना छिपड़ोद का रहने वाला है, जो उपस्थित आया था। इसने बताया था कि मेरी माँ और मेरे परिवार वालों के खिलाफ थाना छिपा बड़ोद में मारपीट का मुकदमा दर्ज है जी, जिसकी जांच रमेश एसआई कर रहे हैं। और वो मेरी माँ का नाम हटाने के लिए पहले 17,000 रुपये ले चुके हैं जी, और 5,000 रुपये और मांग रहे हैं, जिस पर हमने सत्यापन के बाद आज कार्रवाई करी और रिश्वत राशि बरामद करी, मौके पर कार्रवाई कर रहे हैं। बारा से खबर आपको बता रहे, जहां पर एक बार फिर से खाकी बदनाम हुई है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एएसआई को यहां पर ट्रैप किया गया है। मारपीट के मामले में ये रिश्वत मांगी गई थी और जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बारा से खबर, जहां एसीबी बेहद सक्रिय इन दिनों नजर आ रही है। 5,000 के रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। मारपीट के मामले में रिश्वत मांगी थी और उसके बाद सत्यापन करवाते हुए एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। घूसखोर एएसआई को यहां पर ट्रैप किया गया है। खाकी एक बार फिर से बदनाम होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, बताएं एसीबी बेहद सक्रिय इन दिनों, क्या कुछ ये कार्रवाई? लवीना, आज सुबह एसीबी के द्वारा छिपावड़ो थाने मैं ये रमेश एसआई के खिलाफ कार्रवाई की गई जी, जिसमें विनोद कुमार नागर गांव राई जी ने उसकी मां और उसके परिजनों के खिलाफ छिपावड़ो थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में उसकी मां का नाम हटाने के लिए पहले 70,000 रुपए रमेश एसआई को दे चुका है जी, और अभी 5,000 रुपए की और मांग कर रहा था। जितेंद्र, ये बताएं, जो एएसआई है जिसे ट्रैप किया गया है, क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? इस तरीके से पहले भी कोई रिश्वत की मांग की थी? नहीं, पहले जो इसी केस के मामले में इसने 70,000 रुपए लिए थे जी, 5,000 रुपए की और मांग कर रहा था इसके मां का नाम हटाने के लिए जी। जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बारा से खबर बता रहे, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई को ट्रैप यहां पर किया है।